हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ मेरी तरह आप भी अच्छे होंगे। तो आज हमने जो बनाया है ये एनिवर्सरी केक है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि ये एनिवर्सरी केक तो है लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, ये है हमारा एक प्रैंक केक। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये मैंने इसको केक टिन रख के बनाया है। तो कल मैंने आपको एक सजेशन दिया था, एक आइडिया दिया था कि हमारे टर्न टेबल से हमारा जो बेस बॉक्स, जो हमारा ये कैसा बोर्ड हिलता नहीं है, इसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया है, क्योंकि ये हल्का फुल्का रहता है, तो ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस आइडिया को। तो हमने सबसे पहले एक 8 इंच का, हमने बोर्ड के ऊपर हमने पहले 8 इंच का केक टिन लिया है। इसमें हमने साइड साइड में क्रीम लगाई है। इसके बाद हमने उसको सेट कर दिया। सेट करने के बाद हमने इसमें लाइट पिंक कलर की, एक्चुअली एनिवर्सरी केक था, उन्हें पिंक कलर का केक चाहिए था, तो मैंने सेम टू सेम जैसा उन्होंने बताया था, उन्होंने एक्चुअली पिक भी दी थी मुझे, तो कुछ मैंने अपना वो भी किया है। तो मैंने इसमें 8 इंच के केक टिन के ऊपर पहले केक जो क्रीम लगाई, इसके बाद मैंने एक 6 इंच का केक टिन लिया, उसको मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। तो जैसे उसमें केक में पिक्चर थी, एक्चुअली ये ओरिजिनल केक था, लेकिन मुझे ये बनाया बनाने को बोला गया था कि ये ओरिजिनल केक की जगह इसको प्रैंक केक बनाया जाए। तो पहले मैंने उसको देख लिया, फिर उसके बाद मैंने सर्च किया क्या कैसे करना है उसमें, फिर उसके बाद मैंने केक टिन चूज़ किया। केक टिन चूज़ करने के बाद इसको 2 टायर का केक बना दिया। तो हमने इसको एज इट इज़, जैसे उसमें क्रीम लगी हुई, जैसे कोटिंग की हुई थी, तो वैसे हमने फाइनल आइसिंग कर दी। इसके बाद हम इसको जहाँ जहाँ हमारा केक टिन दिख रहा था, मैंने एक्चुअली थोड़ी उसके बाद जैसे केक टिन में दिख रहा था, इसके लिए मैंने थोड़ी ज़्यादा आइसिंग उस टाइम में कर दी थी वहाँ के, मतलब एग्जैक्ट ना दिखे। और दूसरी चीज़, हमें जो डेकोरेशन भी करना था, उसमें टॉपर वगैरह कुछ लगाने थे, तो जिसमें दिखे ना ये, तो इसके लिए ये हमने, इसके बाद इसको हमने कोम से लेके कोम कर दिया है ऊपर, और फर्स्ट टायर में और सेकंड टायर दोनों में, फिर इसकी हम अच्छे से फाइनल आइसिंग फिनिशिंग कर लेंगे। जब ये हमारा फिनिशिंग हो जाएगा, तो इसके बाद हम इसकी, देखिए फ्रेंड्स, इसको धीरे धीरे करिए, क्योंकि बार बार ये केक टिन में एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे हम फिनिशिंग करते रहते, कहीं ना कहीं से इसमें क्रीम निकलती रहती। तो आप कोशिश करिए थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम लगाइए, जिसमें अगर वो एक्स्ट्रा क्रीम जो रहेगी हमारी, वो कोम करने पर तो ऑलरेडी निकल आती है, तो उसको आप करते रहिएगा, तो धीरे धीरे वो सेट हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लगा था इसकी आइसिंग करने में, तो ये हो गया था। लेकिन तो ये हमने इसकी फाइनल आइसिंग कर दी है। इसके बाद इसको हमने कोम कर दिया, अच्छे से इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो इसके बाद हम इसमें डेकोरेशन चालू करेंगे। तो ये जितना हम कोशिश करेंगे इसको, देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा मेरे में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि 2 टायर केक था, एक तो एक के ऊपर एक था, ऐसा तो था नहीं कि मैंने वो वैसे ओरिजिनल केक था, तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम जा रही थी। फिर मैंने कोम से थोड़ा सा जिगजैग की, जैसे कोम करने के बाद मैंने उसको जिगजैग टाइप से डिज़ाइन दे दी, कि वो एकदम सिंपल ही ना लगे, थोड़ा सा डिज़ाइनदार अच्छा लगे, तो ये मैंने उसमें जिगजैग कर दिया। अब ये हम ऊपर जो हमारी आइसिंग बिगड़ गई थी, उसकी हम फिनिशिंग कर देंगे। ये हमारा ऊपर का हमारा फिनिश हो गया है। इसकी फिनिशिंग करने के बाद हम इसमें अब डेकोरेशन चालू करेंगे। पहले हम नीचे क्लीन कर देंगे, अब इसके बाद हम इसमें गोल्डन डस्ट डालेंगे, क्योंकि इसमें नीचे साइड में गोल्डन डस्ट उसकी डिज़ाइन बनी हुई थी। तो ये हमने गोल्डन डस्ट लिया अपना स्प्रे से, हमने इसको स्प्रे कर दिया। फ्रेंड्स, ये हमारा गोल्डन डस्ट जो है, ये एक स्प्रे में भी आता है, एक लस्टर डस्ट भी आता है, तो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये इजी, ये एक्चुअली इसको यूज़ करना इजी रहता है, इसलिए इसको कर दिया। तो ये हमने फर्स्ट लेयर में हमने थोड़ा डेकोरेशन भी कर दिया है फ्लावर का। इसके बाद हम इसमें भी गोल्डन डस्ट यूज़ करेंगे। तो गोल्डन डस्ट यूज़ करने के बाद इस केक का देखिए लुक ही थोड़ा सा चेंज हो गया, बिल्कुल वो देखने में ही ओरिजिनल जैसा लगने लग गया है। तो ये हमारे पास कुछ एक्रेलिक टॉपर हैं हार्ट शेप के, एनिवर्सरी है तो ऑब्वियसली इसमें हार्ट शेप के ही एक्रेलिक अच्छे लगेंगे। तो मैंने इसमें 3 एक्रेलिक टॉपर लगा दिए, तीनों जगह मैंने उसी के साथ में फ्लावर लग दिए। और ये हमारे केक के जान हमारे शुगर स्प्रिंकल्स जो हैं गोल्डन कलर के ही हैं, कुछ इसमें हार्ट शेप के हैं, कुछ स्टार शेप के हैं,
मतलब मिक्स हैं, तो मैंने इसमें चारों तरफ से इसको लगा दिया। तो फ्रेंड्स ये मेरा केक हो गया है। अब फाइनल आइसिंग हो जाने के बाद, इसका सब चीज डेकोरेशन हो जाने के बाद, इसमें स्प्रिंकल्स डाल दिए और ये मैंने लास्ट में उसको जो हमारा नीचे डस्ट वगैरह हो गया था उसको हमने क्लीन कर दिया। तो फ्रेंड्स ये देखिए क्लीन होने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स ये मेरा केक कैसा लग रहा है आपको, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा कि आपको मेरा केक बनाया हुआ कैसे लगा।